हलो माई नेम इज़ तरुण एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद तरुण मित्तल वेल दिस इज़ द बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसका नाम है बेसिक टू इंटरमीडिएट लेसन वन टू एंड थ्री हम पहले कर चुके हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू बी लेसन फोर सो लेट्स क्रेक ऑन विद द लेसन ओके थोड़ा रिकैप करते हैं लेट्स रिकैप टू लाइट प्रीवियस uh, लेसन्स में हमने बात की थी वर्ब के बारे में वर्ब, वर्ब माने क्रिया हर पल हर समय हर वक्त हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और जो भी हम कर रहे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड वर्ब फॉर एग्जांपल ये जो वर्ड्स हमने लिखे हैं सिंग मतलब गाना गाना टीच मतलब पढ़ाना ड्राइव मतलब कार चलाना स्मोक धूम्रपान करना ड्रिंक मतलब शराब पीना ये सब क्रियाएँ हैं और हर एक क्रिया की तीन फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म लेकिन अगर आप इनमें सफिक्स लगा दें ई आर तो सिंग से बनेगा सिंगर टीचर ड्राइवर स्मोकर, ड्रिंकर नाउ सिंग टीच ड्राइव एंड स्मोक ये वर्ब है और उसमें ई आर ऐड करके हमने इन्हें नाउन बना दिया सिंग माने गाना गाना और सिंगर माने गायक जो गाना गाए टीच पढ़ाना टीचर माने अध्यापक तो टीचर एक नाउन हो गया ड्राइव क्रिया है ड्राइवर नाउन है स्मोक एक वर्ब है स्मोकर नाउन है ड्रिंक शराब पीना क्रिया है ड्रिंकर मतलब शराबी इज अ नाउन। ओके लेट्स मोर वर्ड्स प्ले मतलब खेलना प्लेयर जो खिलाड़ी है राइड साइकिल को आप चलाएं तो राइड करते हैं इवन हॉर्स एलिफेंट कैमल जो एनिमल्स हैं उनको भी राइड करते हैं और राइड से बनता है राइडर विस हॉर्स राइडर तो जो घुड़सवार है दैट्स कॉल हॉर्स राइडर प्रीच माने होता है उपदेश देना बहुत सारे ये बाबा लोग हैं आजकल जो कि उपदेश देते हैं प्रीच करते हैं और उन्हें बोलते हैं हिंदी में उपदेशक तो उपदेशक जो प्रीच करेगा प्रीचर जो टीच करे टीचर जो प्रीच करे प्रीचर एक्ट Act, एक्टिंग करना होता है और जो एक्टिंग करे उसे बोलते हैं एक्टर तो ऐसे का कोई काम करना इज़ अ वर्फ और उससे हमने कुछ उसमें ऐड करके उसका एक नाउन बनाया इवन कुछ चीज़ों के नाम हैं जैसे आलू छीनना तो छीनना होता है पील करना और आलू छीनने वाला जो चाकू आता है उसे बोलते हैं पीलर तो ई आर ऐड कर दिया बना पीलर हर जगह हम ई आर एड नहीं करेंगे फॉर एग्जाम्पल विश्वास करना भगवान में होता है बिलीव इन गॉड बिलीव एक क्रिया है विश्वास करना बिलीव का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है बिलीव बिलीव्ड बिलीव्ड और जो आदमी विश्वास करे भगवान में उसे हम बोलते हैं हिंदी में आस्तिक और इंग्लिश में बोलते हैं थीस्ट तो थीस्ट जो वर्ड बना दैट मीन्स आस्तिक तो मैं आस्तिक हूँ तो मैं कहूंगा आई एम अ थीस्ट ये नाउन है इसमें ए आएगा आई एम अ थीस्ट तो हर जगह आर या ई आर नहीं आएगा बट बहुत जगह पर हमने सफिक्स आर या ई आर ऐड करके उसको वर्ग को नाउन में कन्वर्ट किया ओके okay. एक काम है कपड़े धोना मतलब वॉश क्लोथ्स अगर आप कपड़े धोने के पूरे प्रोसेस को देखें सपोज हैंड वॉश हाथ से आप कपड़े धोएं स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखें तो एक काम के अंदर बहुत सारे काम होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चपाती बनाएं तो चपाती बनाने में सबसे पहला काम होता है आटा छानना देन आटा गूंदना, देन चपाती बेलना एंड देन चपाती सेकना तो चपाती बनाना एक काम है पर उस काम के अंदर चार काम हुए हैं सेम कपड़ा धोने की बात करें तो कपड़े धोने में कपड़े सुखाना एक काम हो गया कपड़ा निचोड़ना एक काम हो गया कपड़े को आप जब हैंड वॉश करते हैं तो जनरल क्या करते हैं पानी में आप थोड़ा डिटर्जेंट ऐड करके कपड़ों को उसमें आप सोक कर देते हैं सोक पानी मतलब भिगो दिया आपने एंड देन यू लीव इट फॉर यू नो एन आर और टू एक घंटे के लिए छोड़ देते हैं उसे फिर उसको आप यू नो रब करेंगे यू you नो know, रगड़ेंगे उसको फिर उसको आप uh, जो साबुन है उसका uh, साफ़ पानी निकालेंगे उसमें तो साबुन को निकालेंगे उसमें से फिर आप कपड़े को निचोड़ेंगे एंड देन सुखा देंगे तो इसमें मेनली चार काम हुए पहला हुआ कपड़े को सोक करना मतलब पानी में भिगोना ये वही सोख है जैसे आप कभी चावल दाल या राजमा या छोले बनाएं तो जनरली उनको चार पाँच छः घंटे पहले पानी में सोख कर दिया जाता है एंड देन आप कुक करते हैं तो कपड़ों को हैंड वॉश करना है तो उसका जो डर्ट है वो निकल जाए तो व्हाट वी डू हम दो घंटे के लिए कपड़ों को पानी में सोख कर देते हैं रिंस होता है जो कपड़े में साबुन है उसे निकालना मतलब जब आपने कपड़े को रगड़ दिया उसके बाद में उसका साबुन निकालना है तो फ्रेश मतलब जो साफ़ पानी है साफ़ पानी में क्लीन वाटर में आप उसको डिप करके उसका साबुन निकालते हैं तो रिंस करना बोलते हैं रिंग माने निचोड़ना होता है स्क्वीज़ भी निचोड़ना होता है हल्का डिफरेंस है जैसे लेमन नींबू को हम स्क्वीज़ करते हैं रिंग नहीं करते रिंग होता है जब मान लीजिए कपड़ा है तो उसे दो पकड़ पकड़ा आपने दोनों कॉर्नर को अपने पकड़ा और दोनों एंड से पकड़ के आप ऐसे उमेटते हैं ये होता है रिंग करना स्क्वीज़ कपड़े को आपने ऐसे निचोड़ दिया तो स्क्वीज कर रहे हैं आप लेमन को आप स्क्वीज करते हैं रिंग नहीं करते अगर आप किसी का हाथ पकड़ के मरोड़ दें दैट ऑल्सो कॉल रिंग करना ये बहुत पुरानी कहानियों में आपने सुना होगा कि एक प्रिंसेस और उसको किडनेप कर लिया एक राक्षस ने डीमन ने अब जो डीमन था उसकी जान थी एक पैरेट में तो जब प्रिंस उस प्रिंसेस को बचाने जाता है तो ही गॉट टू नो कि डीमन की जान पैरेट में है तो उस पैरेट को वो पकड़ता है और उसकी गर्दन को मरोड़ देता है ये जो तो गर्दन मरोड़ना होता है ये और रिंग करना अगर आप किसी को ये धमकी दें ए गर्दन तोड़ दूंगा तो आप बोलेगा आई विल रिंग योर नैक आई विल रेंग्यो नैक ध्यान दें मैंने आय विल कहा ये फ्यूचर की बात है वैसे ग्रामर के हिसाब से आय के बाद शैल का प्रयोग करते हैं ग्रामर बोलती है आय और वी के साथ शैल आता है बाकी हम विल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर माने जो समय आने वाला है भविष्य मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आज वेंसडे है तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अभी आएगा अगर अभी चल रहा है सेप्टेम्बर तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर फ्यूचर हो गया अगर अभी चल रहा है 2020, 2020 तो 2021, 22 23 फ्यूचर हो गया और कोई भी काम आप फ्यूचर में करेंगे बताना है आपको तो सिंपल है बोलेगा आई विल और विल के बाद में जो भी क्रिया होगा जो वर्ब होगा उसका फर्स्ट फॉर्म आएगा सेकंड फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म नहीं आईएनजी नहीं जैसे अभी ये वीडियो बनाने के बाद आई विल टेक लंच मैं लंच करूँगा मतलब तो आई विल टेक लंच उसके बाद आई विल टेक सम रेस्ट दैन इन द इवनिंग आई विल गो फॉर अ वॉक दैन आई विल टेक डिनर एट अराउंड एट ओ क्लाक आई विल वॉच टी वी आई विल रीड समाउंड एलेवन और एलेवन थर्टी आई विल गो टू बैड तो अभी इसके बाद मैं क्या करूँगा रात के सोने तक दैट ऑल इज़ फ्यूचर अगर मैं आपसे पूछूँ मान लीजिए जी आज सपोज करें आज सैटरडे है या फ्राइडे है एंड आई आई कि भाई आने वाले जो वीकेंड है क्या प्लान है आपका कि सैटरडे या संडे में आप क्या करेंगे तो अगर आप बताएं कि आपका क्या प्लान है सैटरडे संडे का आप क्या करेंगे तो आप बताएंगे आई विल मान लीजिए आपका प्लान है मूवी जाने का तो आप बोलेंगे यस आई विल नहीं विल तो आएगा आई विल गो फॉर अ मूवी आई एन जी नहीं आएगा आई विल गो फॉर अ मूवी आपका प्लान है शॉपिंग जाने का शॉपिंग जाना बोलते हैं गो शॉपिंग ध्यान दें शॉपिंग नाउन है यहाँ पर मतलब शॉपिंग यहाँ पर आई से परेशान ना हो आप वर्ड है गो आप शॉपिंग जाएंगे प्लान है आपका तो आप बोलेंगे आई विल गो शॉपिंग आपका प्लान है मान लीजिए अपनी कार वॉश करने का तो आई विल वॉश माई कार आपका प्लान है अपने फ्रेंड से मिलने का मिलना मतलब मीट मीट माई फ्रेंड्स कुछ नहीं करना बोलेगा आई विल मीट माई फ्रेंड्स आपका प्लान है अपने कपड़े धोने का मतलब वॉश माय क्लोथ्स सिंपल है आई विल वॉश माय क्लोथ ध्यान दें आपकी बात कर रहे हैं टुमारो की मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं आपका प्लान है फुटबॉल खेलने का खेलना प्ले होता है प्ले फुटबॉल तो आप बोलेंगे यस आई विल प्ले फुटबॉल यह आपका का प्लान है कि आप अपने बहुत सारे पेंडिंग काम हैं उन्हें पूरा करेंगे पूरा करना कंप्लीट माय पेंडिंग वर्क बन गया आई विल कम्प्लीट माई पेंडिंग वर्क ऑलाइट लौट कर रहेगा रिंग निचोड़ना या स्क्वीज निचोड़ना एंड देन कपड़ों को आप सुखाते हैं तो सुखाने के लिए आप हैंग करते हैं यू हैंग क्लोथ्स टू ड्राई तभी हैंगर बनता है हैंगर पर आप कपड़ों को हैंग करते हैं एक हैंग होता है फांसी पर लटकाना वो भी हैंग होता है उसका लेकिन सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है हैंग्ड और ये लटकाने का तो जो हैंग होता है इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है हंग हैंग हंग हंग एनी वे लट्स को एट ये है कपड़े को रिंस करना कि आपने कपड़े को साबुन लगा दिया उसके बाद में आप साफ पानी निकाल रहे हैं दैट्स कॉल रिंस करना दिस इज कॉल्ड कपड़े को निचोड़ना मतलब रिंग करना एंड दिस इज कॉल्ड कपड़े को लटकाना मतलब उसको हैंग करना ओके मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके आपकी मदर ने आपसे बोला मान लीजिए कपड़े रखे हैं और आपकी मॉम के हाथ में दर्द है और आपसे बोला कि कपड़ों को निचोड़ दो आप गए आपने कपड़े निचोड़े अब कपड़े निचोड़ने के बाद अपनी मॉम को आप बताएंगे कि मैंने वो काम कर दिया ध्यान दीजिए मैंने कहा था आपसे कोई भी काम आपको दिया जाए और आप काम पूरा कर दें तो आप बोलते हैं यस आई हैव काम खत्म हो गया प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस काम खत्म हुआ कब हुआ अभी अभी खत्म हुआ आई हैव और हैव के बाद वर्ब का आता है थर्ड फॉर्म रिंग निचोड़ना और रिंग का थर्ड फॉर्म होता है रंग डब्ल्यू आर यू एन जी रंग आपने कपड़े निचोड़ दिए तो आप बोलेंगे आई हैव रंग आई हैव रंग द क्लोथ्स या फिर आपसे बोला कि कपड़ों को बाहर सुखा दो मतलब हैंग कर दो आप गए आपने कपड़े सुखाए अब सुखाने के बाद माम को आप बताएंगे कि आपने कर दिया तो आप बोलेगा यस yes, आई हैव और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगा हैंग मैंने कहा आपसे हैंग जो कपड़े लटकाना हुआ उसका थर्ड फॉर्म होगा हंग ए हटके यू आ जाएगा एच यू एन जी हंग तो आप बोलेंगे आई हैव हंग द क्लोथ्स टू ड्राई ओके फाइन कुछ काम वो हैं जिन्हें आप डेली करते हैं कुछ काम वो हैं जिन्हें आप वीकली करते हैं कुछ काम वो हैं जिन्हें आप मंथली करते हैं ईयरली करते हैं लेकिन कुछ काम वो हैं जिन्हें आप लाइफ में एक ही बार करते हैं अ लाइफ टाइम फॉर एग्जाम्पल आपका जन्म होना व्यक्ति का मरना शादी करना यूजअली शादी करने वाला काम कई बार हो सकता है बट जनरली हम लोग एक ही बार करते हैं मरना और जन्म लेना तो पक्की बात है कि एक ही बार होता है तो ये काम बार बार नहीं होते आ, मकान खरीदना कार खरीदना ये काम भी ऐसा नहीं है कि हम जो हर साल कर रहे हैं नहीं कुछ लोग हैं जो तो बहुत शौकीन हैं और वो हर साल अपनी कार चेंज करते हैं नई कार खरीदते हैं बट यूजली हम ये काम बार बार नहीं करते जैसे मूवी जाना सिनेमा हॉल जाना शॉपिंग जाना ईट आउट करना ये काम वो है जो हम बार बार करते हैं कुछ काम मैंने कहा तो जो हम ईयरली करते हैं लाइक like आपका बर्थडे मनाना दिवाली सेलिब्रेट करना होली खेलना ईद सेलिब्रेट करना अपना घर डेकोरेट करना पटाखे छुड़ाना ये काम हम करते हैं साल में एक बार बट बार बार तो करते हैं ना वो सारे काम जिन्हें हम बार बार करते हैं उनके बारे में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आप ये काम करते हैं तो क्वेश्चन बनेगा डू यू जैसे मैं अपना बर्थडे मनाता हूँ या नहीं फिर ध्यान दीजिए बर्थडे आप हर महीने हर वीक या डेली नहीं मनाते साल में एक बार बट काम बार बार होता है मैं अपना बर्थडे मनाता हूँ पूछना है आपको तो आप पूछेंगे डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे लेकिन डाई वाले क्वेश्चन अगर आप बनाएं तो डू यू डाई नहीं बन सकता डू यू डाई क्या आप मरते हो नहीं बनेगा हाँ अगर डाई के बाद हम लगा दें डाई फॉर मनी मतलब पैसे के लिए मरना पूछना है कि आप मरते हैं पैसे के लिए तो पूछ सकते हैं डू यू डाई फॉर मनी यस ये काम बार बार होता है देखिए डू यू डाई फॉर मनी मैरी वाला काम डू यू मैरी नहीं पूछूंगा डू यू टेक बर्थ नहीं पूछूंगा। बाय अ हाउस डू यू बाय अ हाउस नहीं पूछूंगा ये काम बार बार नहीं होता ना डू यू बाय अ कार डू यू बाय अ कार ऐसे नहीं पूछूंगा। हाँ मान लीजिए मेरा बिजनेस है कि मैं पुरानी कारें ख़रीदता हूँ और फिर बेचता हूँ तो अगर आपको जानना है मुझसे कि सर आप पुरानी कार खरीदते हैं क्या तो आप पूछ सकते हैं डू यू बाय पुरानी कार के लिए बोलते हैं सेकेंड हैंड कार या बोलेंगे यूज कार्स या बोलेंगे प्री ओन्ड डू यू बाय यूज़ कार्स Do you buy second hand cars? Do you buy pre owned cars? Pre owned P R E pre owned O W N E D. Do you buy pre owned cars? All right. So do you action? Action कौन सा जो life में बार बार होता है Life में एक बार वाला काम यहां पर नहीं आएगा आप काम करते हैं तो बोलेंगे yes, मैं काम करता हूं Yes, I action. Do you die for money? Yes, I die for money. फॉर एग्जाम्पल वर्ड है सेलिब्रेट योर बर्थ डे तो इफ आई आस्क यू डू यू सेलिब्रेट योर बर्थ डे ध्यान दें मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि आप ये काम करते हैं या नहीं करते आप करते हैं तो बोलेगा यस सर आई सेलिब्रेट माई बर्थ डे एम नहीं आएगा आई सेलिब्रेट माई बर्थ डे जब भी क्वेश्चन डू से पूछा जाए तो आपको रिप्लाई में एम नहीं बोलना है पार्टी देना बोलते हैं थ्रो अ पार्टी थ्रो फेंकना होता है यस yes, पार्टी देना बोलते हैं थ्रो अ पार्टी डू यू थ्रो अ पार्टी ऑन योर बर्थ डे यस आई थ्रो अ पारी ऑन माई बर्थ डे केक काटना कट द केक डू यू कट द केक ऑन योर बर्थ डे यस आई कट द केक वेयर न्यू क्लोथ्स नए कपड़े पहनना डू यू वेयर न्यू क्लोथ्स ऑन योर बर्थ डे या आई वेयर न्यू क्लोथ्स ऑन माई बर्थ डे गिफ्ट्स मिलना मतलब प्राप्त करना प्राप्त करना रिसीव करना बोलते हैं डू यू रिसीव गिफ्ट्स ऑन योर बर्थ डे यस आई रिसीव गिफ्ट्स ऑन माई बर्थ डे डेकोरेट योर हाउस डू यू डेकोरेट योर हाउस ऑन योर बर्थ डे यस मैं करता हूँ आई डेकोरेट माई हाउस ऑन माई बर्थ डे डू यू इन्वाइट योर फ्रेंड्स टू योर बर्थडे पार्टी यस आई इन्वाइट माई फ्रेंड्स टू माई बर्थडे पार्टी राइट लेकिन अगर आपको आंसर देना हो नगेटिव में मतलब मना करना हो सपोज़ आई आस्क यू डू यू सेलिब्रेट योर बर्थ डे और आपको मना करना है कि नहीं मैं काम नहीं करता वेल मैंने आपसे कहा था कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं डू डस डिड विल इज एम आर हैज हैव हैज वर और भी हैं मेनली ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं करना नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं और नॉट का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद में मतलब डू का डू नॉट हो जाएगा डज का डज नॉट हो जाएगा डिड का डिड नॉट विल का विल नॉट इज़ नॉट एम नॉट आर नॉट हैव नॉट हैज़ नॉट वॉज नॉट वर नाट ओके हमने क्वेश्चन पूछा डू यू सेलिब्रेट योर बर्थ डे तो जो प्रेजेंट इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब है वो है डू आप मनाते हैं तो आपने कहा यस आई सेलिब्रेट माई बर्थ डे वहाँ डू नहीं आ रहा लेकिन अगर आपको मना करना है कि मैं अपना बर्थ डे नहीं मनाना तो कुछ नहीं करना आय के बाद में आपको डू नाट लगाना होगा तो बोलेगा आई डू नाट डू नाट को मिला दीजिए तो बोलेगा आई डोंट आई डोंट माने मैं ये काम नहीं करता जैसे आई डोंट सेलिब्रेट माई बर्थडे कोई भी काम आप नहीं करते बोलेगा आई डोंट कोई भी काम आपके जीवन में होता नहीं है तो आप बोलेंगे आई डोंट कोई भी काम आपकी लाइफ में शामिल नहीं है बार बार आप नहीं करते तो आप बोलेगा आई डोंट मान लीजिए आप स्मोक नहीं करते और कोई आपको सिगरेट दे स्मोक करने के लिए तो आप मना करेंगे तो आप बोलेंगे नो थैंक्स आई डोंट स्मोक कोई आपको शराब दे ड्रिंक करने के लिए और आप शराब पीते नहीं हैं तो आप मना करेंगे तो आप बोलेंगे नो थैंक्स आई डोंट ड्रिंक आप नॉन वेज नहीं खाते और कोई आपको चिकन या मटन दे खाने को तो आप मना करेंगे नो थैंक्स आई डोंट टेक नॉन वेज आप समोसा नहीं खाते और कोई आपको समोसा दे खाने को तो आप बोलेंगे थैंक्स आई डोंट टेक समोसा आप कोई भी चीज नहीं खाते आपको मना करना है आप नहीं खाते तो आप आई डोंट खाना टेक होता है आई डोंट टेक मतलब आई डोंट के बाद जो भी एक्शन आएगा वो आप लगा देंगे चलिए देखते हैं मैं स्मोक करता हूँ आई स्मोक आई ड्रिंक आई अब्यूज आई फाइट आई लाई मैं बता रहा हूँ कि मैं ये काम करता हूँ आपको मना करना है कि आप ये काम नहीं करते कुछ नहीं करना आपको आय और ये एक्शन के बीच में डोंट लगाना पड़ेगा ध्यान दें डोंट का टी ऑलमोस्ट साइलेंट रहेगा बोलेगा नहीं आई डोंट आई डोंट टी साइलेंट है आर ऑन स्मोक आर ऑन ड्रिंक आई डोंट अब्यूज आर ऑन फाइट आर ऑंड ला मतलब मैं ये काम नहीं करता ओके okay, मुझे पूछना है आपसे डू यू एक्शन आप, आप कहा नो मैं ये काम नहीं करता नो आई डोंट एक्शन जब भी आप कभी क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे डू डज डिड से तो हमेशा पहले शुरुआत में हमें यस या नो बोलना पड़ता है डू यू टेक टी हाँ पीता हूँ यस आई टेक टी नो आई डोंट टेक टी इन हिंदी भी हम ऐसे ही बोलते हैं आ, नहीं सर मैं चाय नहीं पीता तो पहले आपको नो बोलना होगा फिर आप बोलेंगे आई डोंट टेक टी नो आई डोंट टेक टी सर ऐसे बोल दें नो आई टेक टी नो 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 आई डोंट टेक टी गैम्बल इज कॉल जुआ खेलना. डू यू गैम्बुल ना आई डोंट गैम्बल वॉच क्राइम पेट्रोल क्राइम पेट्रोल आता है टी वी पर देखते हैं आप लोग डू यू वॉच क्राइम पेट्रोल ना आई डोंट वॉच क्राइम पेट्रोल इट्स वेरी नेगेटिव यू नो यूज़ फेसबुक डू यू यूज फेसबुक यस आई यूज फेस बुक ओवर ईट माने ज़्यादा खाना ईट माने खाना होता है ज़्यादा खाना ओवर ईट बोलते हैं मान लीजिए आप तीन चपाती खाते हैं और टेस्ट टेस्ट में आप चार या पाँच खा लें तो ये हुआ ओवर ईट करना डू यू समाइम्स ओवर ईट आप करते हैं कभी कभी ओवर ईट नो आई डोंट ओवर ईट आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ टेल अलाय झूठ बोलना टेल अलाय या लाए बोल सकते हैं एक ही बात है आप टेल को हटा सकते हैं लाई अपने आप में क्रिया भी है डू यू टेल लाए या आई समाइम्स चल रहा है आप नहीं बोलते नो सर आई डोंट चल रहा है यूज स्वे वर्ड्स यूज स्वे वर्ड्स माने गाली देना मतलब अब यूज़ करना स्वेह वर्ड्स माने गाली गलोच के शब्द गाली गलोच के शब्दों का प्रयोग करना प्रयोग करना यूज़ करना होता है इफ़्याज क्यों आप गाली देते हैं दो तरीके हैं या तो पूछूँगा डू यू अब यूज़ बस या फिर डू यू यूज़ स्वे वर्ड्स नो आई डोंट यूज स्वे वर्ड्स बिलीव इन घोस्ट बिलीव विश्वास करना भूत में विश्वास करना बिलीव इन घोस्ट डू यू बिलीव इन घोस्ट नो आई डोंट बिलीव इन घोस्ट राइट सो वी हैव सम होमवर्क टॉपिक है डू यू एक्शन आप रिप्लाई देंगे यस में यस आई एक्शन मना करना है नो आई डोंट एक्शन रिप्लाई आप सिंपल एक लाइन में दे सकते हैं बट ट्राई करना दैट यू आंसर इन टू और थ्री लाइन्स फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ डी गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक सिंपल आंसर आएगा यस आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक या आप मना करेंगे नो आई डोंट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक लेकिन अगर आपको इलाबोरेट करना है तो आप जाते हैं वॉक पर तो कहाँ जाते हैं किस समय जाते हैं कितना देर वॉक करते हैं वॉक पर क्यों जाते हैं यह बात सब कुछ आप इसमें ऐड करके बोल सकते हैं येस आई गो फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग एट फाइव ए एम आई गो टू यूनिवर्सिटी एंड आई वॉक फॉर वन आवर आई लाइक टू वॉक इट्स गुड फॉर हेल्थ तो ट्राई करना कि आप हल्का सा उसको आंसर को इलेबोरेट करें वॉट यू कैन डू आप जब लिखें तो लिखते वक्त आप बोलिएगा मतलब स्पीक एंड देन राइट बिकॉज आपको प्रैक्टिस करनी है स्पोकन इंग्लिश की स्पीक एंड देन राइट ओके पैसा वेस्ट करना वेस्ट मनी ध्यान दें ऊपर लिखा है डू यू ऑप्शन मतलब क्या आप ये काम करते हैं काम क्या है वेस्ट मनी डू यू वेस्ट मनी आपको रिप्लाई देना है यस yes में या नो no में अगर आप बोलेंगे हाँ आप करते हैं यस आई वेस्ट मनी आई मे नहीं आएगा आई वेस्ट मनी आप नहीं करते मना करना है तो बोलेगा नो आई डोंट वेस्ट मनी एलाबोरेट करना है आपको नो आई डोंट वेस्ट मनी आई स्पेंड मनी वाइजली आई एम वेरी थ्रिफ्टी इकनॉमिकल एंड आई आई यू नो आई सेव माइनिंग एंड आई बिलीव दैट वी शुड नॉट वेस्ट माइनिंग जो भी आपको लगता है बोल सकते हैं नहीं बोल सकते कोई बात नहीं यू सिंपली आंसर इन वन लाइन ओवर स्पेंड अधिक खर्च करना स्पेंड खर्च करना ज़्यादा खर्च करना ओवर स्पेंड डू यू ओवर स्पेंड नो आई डोंट ओवर स्पेंड आई स्पेंड वाइजली मैं खर्च करता हूँ किफ़ायत से मतलब वाइजली फील जेल्स इर्षा फील करना डू यू फील जेलस नो आई डोंट फील जेलस अगर आपका पड़ोसी नई कार खरीदे या उसकी प्रमोशन हो जाए वो प्रोग्रेस करे लाइफ में अपनी नई फैक्ट्री बनाए तो डू यू फील जेलस नो सर आई डोंट फील जेलस रादर आई फील गुड मुझे अच्छा लगता है बिच अबाउट अदर्स माने पीठ पीछे बुराई करना अगर आप पीठ पीछे किसी की बुराई करें तो बिच करना बोलते हैं दिस इज़ वेरी कॉमन टर्म यूज इन बिग बॉस बिग बॉस में वो होता है कि तीन चार का ग्रुप बनेगा वो वैसे फ्रेंड होंगे पर पीठ पीछे बुराई करते हैं आप करते हैं डू यू बिच अबाउट अदर्स आपके जो फ्रेंड्स हैं रेलेटिवस हैं नेबर्स हैं उनके आप पीठ पीछे बिचिंग करते हैं नो सर आई डोंट बिच अबाउट अदर्स

Uh, try to use in your uh, daily conversation well that's the end of the video thanks for watching the video i hope you understood uh, see you again with some new lesson and please don't forget to like and subscribe to the channel if you like the video thank you ciao ciao